हेलो क्लास नाइन्थ पिछले क्लास में मैंने आपको सॉल्यूशन और मिक्स और कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में बताया था आज मैं उसके आगे, आगे आपको टिंडल इफेक्ट बताऊंगी तो सबसे पहले बात करते हैं टेंडर इफेक्ट होता क्या है इफ आ लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन देन द सब्सटेंस इज सेट टू शो टेंडर इफेक्ट जब किसी भी पाथ से लाइट हम पास कराते हैं और उस मीडियम से क्या होता है कि हमें पाथ दिखाई देता है रास्ता दिखाई देता है तो उस सबस्टांस को हम कहते हैं टेंडर इफेक्ट जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि आपके एक रूम में एक छोटा सा होल है तो वहाँ पर से आप जब वहाँ पर से लाइट पास होती तो आप कभी कभी देखते हो उसमें जो धूल के कण होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें ऐसे करके चक्कर लगाते रहते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं तो वही क्या होता है आपका कोलाइड सोल्यूशन होता है एग्जाम्पल के तौर पर ये एक ये टॉर्च है टॉस तो से ये लाइट निकल रही है ये यहाँ पे क्या है ट्रू सोल्यूशन और ये कोलायर सोलूशन है तो अब जब ट्रू सोलूशन दिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इसमें यहाँ पे पार्टिकल्स इसके बहुत छोटे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आएगा कोई लाइट पास नहीं नजर आएगी आपको कोई भी, भी बीम नहीं नजर आएगी बट इसमें क्या होगा पात चमकते हुए इसके कण नज़र आएंगे आपको तो यही क्या कहलाता है आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है अब बात करते हैं वेन वी टॉक अबाउट ट्रू सोल्यूशन हम जो ना सोल्यूशंस um, के जो टाइप्स होते हैं उसमें क्या क्या मिला होता तो है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं वेन वी टॉक अबाउट जब हम ट्रू सोल्यूशन की बात करें तो उसमें क्या होता है उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है कोलाइट सोल्यूशन में क्या होता है डिस्पर्ज फेज होता है डिस्पर्सिंग मीडियम देखो सॉल्यूट और सबसे पहले सॉल्यूट और सॉलवेंट समझ लो मान लो एक आपको एक आपके पास सॉल्ट है और प्लस वाटर है तो इसमें सॉल्ट क्या हो गया आपका सोल्यूट हो गया सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया और इस दोनों मिलकर क्या बनाया इन्होंने सोल्यूशन बनाया क्यों वाटर के क्लास में हम पानी में क्या करते हैं सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका सॉल्यूशन कहलाता है ठीक तो ये आपका ट्रू सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन हो गया सॉल्ट प्लस वाटर मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अब बात करते हैं हम कोलाइड सॉल्यूशन की तो कोलाइड सॉल्यूशन में क्या होता है डिस्पर्स फेज होता है प्लस डिस्पर्सिंग मीडियम होता है डिस्पर्सिंग मीडियम किसका काम करता है सॉल्वेंट की तरह काम करता है डिस्पर्स फेज किसका काम करता है सॉल्यूट का काम करता है सस्पेंशन में इसी तरह सेम क्या होता है सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं और प्लस मीडियम होता है अगर हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को मीडियम में मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है सस्पेंशन बन जाता है अब बात करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तो ये कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सिवाही बात है सोल्यूशन को जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो वो लिक्विड क्या होता है कंसनट्रेट हो जाते हैं ना तो इनको हम कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन uh, समझ लेते हैं देयर आर वेरी वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन बट हेयर वी विल लर्न ओनली टू मैटर्स बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे वेरियस वेज हैं इनको कंसनट्रेशन के सोल्यूशन की कंसनट्रेशन की मगर हमें यहाँ पे दो देखने हैं पहला बास सॉरी मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड दूसरा होता है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें किसी वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से तो क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड या हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये मास की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात होती है वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब पूरा उस समय सॉल्यूड प्लस सॉल्वेंट की बात करें यहाँ पे लेकिन हम सोल्यूशन में कि मास की बात करें तो यहाँ पे हम सोलवेंट नहीं लिख सकते लेकिन हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं इसका आप एग्जाम्पल देख लेते हैं देखो ये न्यूमेरिकल आपको इसके न्यूमेरिकल करने होंगे इनके फार्मूलाज के तो जो है ना आपको न्यूमेरिकल को सही इनको फार्मूलाज को, को सही समझना होगा कहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट जैसे कि सिर्फ दे दिया कि एक कोई है उसमें सॉल्ट का सॉल्यू आ, सॉल्ट का जो है ना मास इतना है और वाटर सॉल्यूशन का मास कितना है उसको आपको पूरा परसेंटेज में निकालना है तो आप ये फार्मूला रखेंगे और अगर ग्राम में है तो दोनों वैल्यू ग्राम में होंगी अगर किलोग्राम में है तो दोनों वैल्यू किलोग्राम में होंगी तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा अब एग्जाम्पल के लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो आपके एन सी में भी है एग्जाम्पल है आपका अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन थ्री ट्वेंटी ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन एक कोई सोल्यूशन है उसमें क्या है कि चालीस ग्राम सॉल्ट है और तीन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम ऑफ वाटर है आपको इसका कंसनट्रेशन निकालना है तो हमारे पास सीधी सी बात है कि हमको आपने पीछे फॉर्मूला देखा ही हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमें तो यहाँ पे जो ना हमें क्या क्या दे दिया इन्होंने सॉल्यूट का दे दिया मास और सॉलवेंट का मास दे दिया हमको सॉल्यूशन नहीं पता है तो मास ऑफ़ सॉल्यूट हमारे पास फोर्टी ग्राम है मास ऑफ सॉलवेंट थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम है अब हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल मास ऑफ़ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट प्लस सॉलवेंट हम मैंने आपको बताया था सॉल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो बस हमने क्या किया मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सोलू सॉल्वेंट निक लिया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है फोर्टी ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम में हमने इन दोनों को ऐड किया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आया थ्री हंड्रेड सिक्सटी ग्राम अब हमने सेम फार्मूला उठाया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड हमने सॉल्यूट की जगह पर एक फार्मूला उठा के रखा फोर्टी ग्राम और माँस सॉल्यूशन हमारे पास ये थे थ्री हंड्रेड सिक्सटी ग्राम हमने यहाँ पे थ्री हंड्रेड सिक्सटी लिखा हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेगा कैलकुलेट किया हमारे पास आ गया एलेवन पॉइंट वन परसेंट ठीक है ये तो पूरा आपका इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको करने हैं आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता आपसे इतना ही पूछा जाता है जितने भी न्यूमारिकल्स होते हैं तो आपको इसी बेसिस पे करने हैं इन्हीं फार्मूलाज पे करने हैं अब बात करते हैं वेरियस सेपरेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अब जितना भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है मिक्सचर के सेपरेशन के बारे में ही पढ़ना है कि उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं न? तो उनकी फिज और ये सारे भी जितने भी सेपरेशन होते हैं न? ये फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट होते हैं तो इसमें तो कुछ प्रोसेस दिया हुआ है पहला आपका फिल्ट्रेशन दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन तीसरा सब्लिमेशन चौथा सेपरेटिंग फनल पाँचवा इवापोरेशन छठा क्रिस्टलाइजेशन सेवन डिस्टिलेशन एट है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाइन क्रोमेटोग्राफी एंड टेन सेंट्रीफ्यूगेशन ये टेन प्रोसेस है ऐसा नहीं कि ये सिर्फ टेन ही प्रोसेस हैं इसमें लेकिन आपको यहाँ पे कौन सा पढ़ना है ये टेन ही प्रोसेस पढ़ना और इस पूरे टेन प्रोसेस में ही आपका चैप्टर पूरा इसमें आ जाएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की फिल्ट्रेशन क्या होता है देखो जब हम आ, ऐसी चीज़ें जो कि जिनका पार्टिकल्स और जो साइज़ जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट साइज में होता है मतलब एक एक सॉल्यूट का साइज़ जो है ना छोटा हो और सॉल्वेंट का साइज़ उससे बड़ा हो या सॉल्वेंट का साइज उससे बड़ा हो सॉल्यूट का साइज़ छोटा हो तो उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं तो देखिए इसका यह देख लीजिए फिल्टर फिल्ट्रेशन डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब इसमें क्या होता है पार्टिकल साइज़ होता है एग्जाम्पल के लिए हम सैंड एंड वाटर ली जैसे कि दिफि एक बी है, बीकर में आपके वाटर है और यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स तो आपको पता है कि वाटर के पार्टिकल एकदम छोटे छोटे होते तो हैं सैंड के पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं जब हम एक फिल्टर पेपर के थ्रू से उसको हम फिल्टरे सेपरेट करते हैं तो क्या देखते हैं कि वाटर के जो है ना जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे होंगे तो एक बीकर में वाटर क्या होगा निकल जाएगा जितना भी सैंड होगा ना वो फ़िल्टर पेपर में आपके रह जाएगा तो ये क्या प्रोसेस हो गया आपका फिल्ट्रेशन हो गया एग्जाम्पल के तौर तो पर आपके घर में चाय बनती है तो चाय आप लोग क्या करते हैं जब छानते हैं उसका प्रोसेस भी क्या होता है फिल्ट्रेशन ही होता है पानी में कभी कभी रेत आने लगती है तो घरों में पानी की रेत के लिए हम लोग क्या करते हैं कपड़ा लगा के उसको यूज़ करते हैं ताकि उसकी रेत जो होती है वो कपड़े में बैठ जाए और पानी साफ साफ बॉटल में चला जाए तो वो भी एक तरीके का प्रोसेस क्या होता है फिल्ट्रेशन ही होता है अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन देखो मैग्नेटिक सेपरेशन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी कि टू सेपरेट मैग्नेट पार्टिकल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जब हम मैग्नेट पार्टिकल्स को नॉन मैग्नेट पार्टिकल से अलग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड मान लो ये एक सैंड है ठीक है सैंड में इसमें बहुत सारे आयरन आयरन के जो है ना फीलिंग्स पड़ी हुई हैं तो इनको अलग करने के लिए क्या करते हैं हम एक मैग्नेट को लेते हैं जब हम एक मैग्नेट को लेते हैं तो क्या होता है कि जितना भी आयरन होता है ना उसमें क्या होता है मैग्नेट में चिपक जाता है और सैंड सैंड क्या होती है अलग हो जाती है तो ये सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन होता है अब इस तरह से हम बात करते हैं और एक चीज़ और मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ बहुत से जगहों पे होता है जैसे कि आपके जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जहाँ पर से मैग्नेट से और से अलग के जाते हैं मेटलर्जी आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जब हम मेटल्स को उनके ओर्स से अलग करते हैं ना तो वहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन का ही यूज़ करते हैं ठीक है और भी जितने भी ऐसे यूज़ होते हैं वहाँ पर फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे भी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है आयरन फिलिंग की चीज़ों के लिए वहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक सेपरेशन का ही यूज़ किया जाता है अब बात करते हैं हम सब्लिमेशन की द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सब्लीमेटरी पार्टिकल फ्रॉम नॉन सब्लीमेटरी पार्टिकल सब्लिमेशन में क्या होता है इसमें भी क्या होता है कि जो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कि सब्लिमेशन uh, पार्टिकल्स को नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल्स से अलग किया जाता है उनको हम सब्लिमेशन कहते हैं जैसे मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है जब वहां पर उनको अलग करने के लिए अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोरी, क्लोरीन को अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है सब्लिमेशन का यूज किया जाता है इसके आगे के जितने भी आपके प्रोसेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो जो नहीं समझ में आ रहा आप पूछिए एक बार पूछिए दो बार पूछिए मैं बताऊंगी आप लोगों को और नोट्स बनाते चलिए ठीक है और जितने भी मैंने आप लोगों को एन का जो वीडियो भेजे थे आपको एन सी के उन वीडियोस को सही से देख लीजिए तो आप लोगों को जो भी टर्म्स नहीं समझ में आ रहे ना वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे थैंक यू